गाइस तो कैसे हो आप सभी, स्वागत है मेरे चैनल आईडीएक्स टेक इन्फॉर्मेशन। तो आज का हमारा वीडियो कि बहुत से लोगों का मतलब कि इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, मतलब किसी को अगर मतलब पासवर्ड उसका पता चल जाता है तो वो हैक कर लेता है, यानी कि उसको उसका अकाउंट वो अपने मोबाइल में ओपन कर लेता है और फिर उसमें सब कुछ मतलब चेंज कर लेता है और उसका अकाउंट मतलब हैक हो जाता है। इस मतलब इस हैक से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आज मैंने ये टॉपिक बनाया, तो इसलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को खोलते हैं। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, वो ट्रिक सिर्फ आप अपने इंस्टाग्राम में ही मिलेगी। तो इसलिए इसको आपने क्या करें, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को आपको खोल लेना है और यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद 18 डॉट इस पर आपको क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है गाइस। और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी इस पर आपको नहीं बल्कि आपको सिक्योरिटी, तो आपको अपने सिक्योरिटी पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ गए मतलब आपका अकाउंट हैक होने से इसी टू फैक्टर से आपका बचेगा, क्योंकि इसलिए मैं इसके बारे में बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि इससे क्या होगा। जब भी अगर आपका पासवर्ड उस इंसान का होगा पता भी चल जाएगा तो भी वो आपका अकाउंट मतलब उसके फोन में नहीं खोल पाएगा, क्योंकि उसमें जब भी वो पासवर्ड डालेगा तो उसमें एक OTP आएगा जो कि वो आपके डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आएगा। जब तक आप वो उस OTP को वहाँ पर नहीं डालेगा तब तक आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, मतलब पासवर्ड भले ही सही हो लेकिन नहीं खुलेगा। तो गाइस इसलिए हम इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है टेक्स्ट मैसेज, इस पर आपको एनेबल कर लेना गाइस, ठीक है। इस पर आपको कंफर्मेशन कोड आएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना, जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ, और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना गाइस। जैसे ये नेक्स्ट होगा तो यहाँ पर आपको मतलब 6 कोड मिलेंगे, तो इन कोड को आपको कॉपी कर लेना है गाइस, ताकि आपके जब भी मतलब अगर आपका बाई चांस अगर आपके मतलब वो कोड किसी प्रॉब्लम की वजह से ना आए तो इन कोड को आप डालकर मतलब आप अपने अकाउंट खोल सकते हो खुद। अगर आप खुद लॉगिन करेंगे तो भी उसमें कोड आएगा, वो आपको डालेंगे तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इन्हीं कोड को आप मतलब अपने गैलरी में सेव रखना है, ये कोड आप किसी को नहीं बताना है। इसी कोड से आप मतलब बिना OTP के भी खोल सकते हो और OTP के आने पर उसे भी आप खोल सकते हो, तो इससे आपका अकाउंट मतलब सेफ रहेगा, कोई हैक नहीं कर पाएगा। कई जगह आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।